तुंदे बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, तुंदे बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। माई ग्रैंड सल्यूट टू द एंटरप्रेनर हु हैज स्टार्टेड दिस आउटलेट हेयर। आजकल की डेट में जब से आर्टिकल 370 और 35 एब्रोगेट हो गया एंड जब से कोरोना आ गया ऑलमोस्ट 3 साल हो गए एंड आई एम माशाल्लाह वेरी प्राउड ऑफ द जेंटलमैन। वैसे भी सोपोर वालों को जिंदा दिलाने सोपोर बोला जाता है एंड वी आर एन एग्जाम्पल। दिस ये जो आज इन आउटलेट खोला है यहाँ, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जिंदा दिलाने सोपोर। मेरा ये है कि मेरी अच्छी विशेज, मेरी गुड विशेज विल बी ऑलवेज विद हिम। एंड ये जो फैशन फिएस्टा का यहाँ पे इनॉग्रेट हो रहा है आज यहाँ पे, माय रिक्वेस्ट टू ऑल द जनरल पीपल जो भी यहाँ पे हैं जिनका कोई है ये है, मुझे लगता है कि हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए यहाँ आना और यहाँ पे शॉप करना इनके पास। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे आर्य साहब जिन्होंने यहाँ पर फैशन फिएस्टा की आउटलेट स्टार्ट किया है, और इनकी फैमिली को जिन्होंने हमारा सपोर्ट लेके यहाँ पर एक ऐसी आउटलेट डाल दी ना कि जिससे सोपोर वाले जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका अब श्रीनगर आना नहीं पड़ेगा। बिकॉज माशाल्लाह सोपोर में एज वी ऑल नो कि यहाँ पर देयर इज अ मैसिव मैसिव पोटेंशियल, यहाँ बड़े अच्छे अच्छे कस्टमर्स हैं जो लिटरली हमारे पास आते थे और राजबाग आना पड़ता था शॉपिंग के लिए। अब सेम चीज़ आपको सेम प्राइस पे सोपोर में मिल रही है, तो इट्स अ गुड थिंग फॉर द पीपल ऑफ सोपोर। एंड मैं सोपोर के जो लोग हैं उनसे, जो हमारे कस्टमर्स नहीं हैं, जो हमारे अब नई ऑडियंस होगी, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार आए, एक बार विजिट करें, देखे कि फैशन फिएस्टा में आपको क्वालिटी और प्राइस बेस्ट मिलेगा, तभी जाके वो हमारे यहाँ कंटिन्यू आएंगे। जो यूथ हैं, जो जवान हैं, उनके लिए यही मैसेज है, जैसे कि आरिफ साहब ने कुछ भी इनिशिएटिव लेके एक अपना वेंचर स्टार्ट किया, कश्मीर में हमारे पास लिमिटेड प्राइवेट जॉब्स हैं, तो आई मीन वी कांट बी डिपेंडेंट ऑन देम। सो आई थिंक एक इनिशिएटिव ले, थोड़ा सा मार्केट सर्वे करके अगर आप थोड़ा इनिशिएटिव लेके कुछ वेंचर स्टार्ट करें जहाँ कि आप एम्प्लॉय ना बने बल्कि एम्प्लॉयर बने, वो हमारी सोसाइटी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा।